अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल लाइफ स्टाइल व्लॉगर। एंड मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमजान मुबारक। आज फर्स्ट रोज़ है तो मैंने सोचा कि आज मैं अफ्तारी में जो है वो बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो ये आज जो मैं बिरयानी बना रही हूँ, दैट इज़ बेसिकली सीख कबाब बिरयानी। एंड आप सबको नजर आ रहे होंगे इसके लिए इंग्रीडियंट्स यहाँ पर, सो मैं आपको बता दूँगी इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो है हमें एक तो हमें चावलों को जो है ना बॉईल करना होगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आपको करी के लिए जो रेसिपीज चाहिए वो मैं इंग्रेडिएंट्स वाली चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट ये जो है ये मैंने अनियंस रखे हैं, ठीक है, और ये मैंने इसी तरह जो है वो कट कर लिए, ठीक है, अबाउट 3 to 4 हैं ये, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये टोमेटोज नहीं है, ठीक है, इनको भी मैंने इस तरह कट कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा जो है वो ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब इस तरह से जो है वो टोमेटो नुकसान के लिए मैंने जो है 4 to 5 लिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है मैं इसमें, चूँकि मैं सीख कबाब की बिरयानी बना रही हूँ, तो ये मैंने सीख कबाब लूँगी, ठीक है, और मैं इसको फ्राई करूँगी, मैं आपको दिखा दूँगी उस टाइम पे। एंड नेक्स्ट जो है ये मेरे पास जो है दिस इज़ बम्बई बिरयानी मसाला। मैं इस मसाले के अलावा और भी अगर कुछ इंग्रीडियंट्स ऐड करूँगी तो बता दूँगी, क्योंकि स्पाइसेस आपके अकॉर्डिंगली होती हैं अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो चीज़ें सामने पड़ी हैं, बेसिकली ये जो है बटर मैंने रखा हुआ है, और मैंने ग्रीन चिलीज और लेमन रखा हुआ है, ठीक है, और हरा धनिया, ये सब कुछ जो है मैंने गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और ये साथ जो है वो पिस्ताज पड़े हुए हैं। बेसिकली मेरे पास और बादाम वगैरह नहीं थे, वरना मैं ड्राई फ्रूट्स की अच्छी सी गार्निशिंग होती है, ठीक है, टॉपिंग जो है वो बहुत अच्छी बनती है बिरयानी की। मैं लास्ट में बटर और जो ये जो पिस्ते हैं, ठीक है, इनको जो है वो लास्ट में बटर में थोड़ा सा सौते करूँगी, तो ये अच्छा सा जो है वो गोल्डन से ही हो जाती है, तो क्रिस्पी से नट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ये जो ग्रीन चिलीज हैं ये मैंने जस्ट फॉर गार्निशिंग रखी हुई है, और लेमन भी, एंड इसके अलावा ये हरा धनिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें गार्निशिंग के लिए हैं, और ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मिलते हैं करी के टाइम पे, करी जब बनाने लगूँगी तो उस टाइम पर मिलते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो। हेलो जी, वेलकम अगेन। मैंने आपको सारे इंग्रीडियंट्स दिखा दिए थे, और अब मैंने जो है वो ऑयल डाल दिया, और इसके अंदर मैं ये सीख कबाब को जो है वो लाइट सा फ्राई करूँगी, बिकॉज फ्राई करने से जो है ना ये थोड़े से जो है ना मज़े की इनकी जो है ना क्रिस्पीनेस की आदत है, और बिरयानी में जो है ना फंक्शन करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं इनको पहले फ्रीज मैंने डीप फ्रीज कर लिया था, ताकि ये जो सॉस कर मैं कर सकती थी इनको, ताकि ये जो है ना ब्राउन, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि आप बस इनको लाइट सा ब्राउन कीजिएगा तो ये आपकी बॉडी फील करेंगे। थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मज़े से कलर आपको नज़र आ रहा है, या ये ज़्यादा आपने नहीं करना, वरना फिर आपको थोड़े गले गले की होंगे, ठीक है जी। हाँ, कबाब मेरे फ्राई हो गए, और मैं इसके अंदर ये जो है सारा का सारा प्याज मैंने कट किया था, मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। इसको अबाउट 4 to 5 में थोड़ा सा मसाला ग्रेवी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनी, तो ये जो है सामने जो है ब्राउन है, जब तक हो रही है तो देखते हैं। थोड़ा सा फ्लेम मैं ज़्यादा कर दूँगी, ठीक है, तो ये जब तक हो रही है आपको देखिए। एंड मैं आपको मसाला बना रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मसाला बनता है। तो वेलकम बैक, प्याज हमारा ब्राउन हो गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, यानी आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिकॉज फिर इसमें फिर आपको ये जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये टमाटोज मैंने कट किए थे, ये सारे इसके अंदर डाल दूँ, और ठीक है, इतना प्यारा कलर आ रहा है इसके ऊपर। एंड ये हो गई, जब तक ये टमाटोज हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम कर दूँगी, ताकि ये जो है जल्दी
मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वाटर ऐड करती हूँ, बिकॉज टोमेटोज को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी डाल दिया इसमें, ठीक है। मैं इसको जो है वो 2 to 3 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी एंड देन आई विल कम बैक, ठीक है। सो वेलकम बैक, ये देखें ये हो गए हैं हमारे टोमेटोज, ये देखें मैंने इसमें थोड़ा सा बढ़िया से थोड़े सॉफ्ट हो गए ना। तो अब बाकी ये जो है ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसमें और भी चीज़ें डाली हैं, तो तब तक ये जो है वो तो हो चुकी है, ठीक है। अब जो है मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैंने ये बिरयानी मसाले को, ये जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसको मैंने जो है वो दही में या तो ये हमारे हो गए। अब मैंने जो है 2 to 3 4 to 5 मैंने टीस्पून लिए हैं योगर्ट के, ठीक है, और मैंने इसके अंदर जो है बिरयानी मसाला डाल दिया। इससे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है, ठीक है, और ग्रेवी भी जो है ना मज़े की बनती है। सो आई एम गोइंग टू पोर इट इन, अगर आपके पास टोमेटोज कम हो तब आप इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरे पास टोमेटोज भी ठीक तरीके मैंने दही को डाला है, तो इससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत मज़े की आती है, टेस्ट बहुत ऑसम आता है। ये चलिए इसके अंदर मैंने इसके अंदर हाफ से थोड़ा सा कम टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया था टू बैलेंस द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, टू बैलेंस टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। और बाकी जो मैंने राइस बॉइल किए हैं ना वो मैंने बिल्कुल जो है वो फुल सॉल्ट के साथ किया, मतलब जितनी मैं डाल दी जितनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो मैंने। तो ये देखते हैं, आप देखें कि इसमें से ऑयल ऊपर आना शुरू किया, एंड इट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। थोड़ा सा ऑयली होना चाहिए, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी हाई फ्लेम के ऊपर इसको जो है वो कुक कर लूँगी एंड जो है ये तो मैंने एक दो जो ये थी मेरे पास ग्रीन चिलीज, वैसे तो गार्निशिंग के लिए, लेकिन मैं इसके थोड़ा चल लूँगी, इससे थोड़ी सी अच्छी खुशबू जो है वो आ जाएगी। मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी इसमें ऐड की एंड आई एम गोइंग टू पुट हाफ ऑफ द लेमन, इसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये चलिए आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा इसका कलरफुल सा ये टेस्ट आ रहा है, सॉरी टेस्ट कैन यू लुक आ रही, सो ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा इसको कुक करने के लिए, थोड़ा सा मसाला इसमें कुक हो जाए। तो मैंने ये जो है 1.5 साशे जो है मैंने इसके अंदर इस मसाले का डाल दिया। सो आई हैव पुट हाफ ऑफ दिस साशे इन दिस 1.5 मिनट्स में जो है, सो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको बबल्स से नज़र आ रही हैं और ये देखिए ये ऑयल भी ऊपर आ रहा है। सो अब मैं इसके अंदर जो है वो अपनी ये सीख कबाब जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सो माशाल्लाह इट्स लुक सो गुड, और एंड अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी एंड आफ्टर देन थोड़ा सा इसके अंदर जो है इसका ऑयल इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तो इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो लेयरिंग करूँगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून, हियर इज द फाइनल लुक ऑफ करी, ठीक है, इट्स रेडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट लेयर, सो वेलकम बैक। अब ये देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर जो है ये मैंने राइस जो है वो 1 आवर बिफोर मैंने इनको जो है वो बॉईल करके रख लिया था। सो मैंने अब इसकी जो है एक लेयर जो है लगा दी, आप थ्री लेयर्स जो है इसकी लगा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिक्सचर। सो अब मैं इसके ऊपर मिक्सचर डालूंगी, ठीक है। सो जी मैंने इसके ऊपर ये सारी लेयरिंग कर दी है, ठीक है, एंड अब मैं इसके ऊपर जो है वो एक लेयर और जो है वो राइस की डाल दूंगी, ठीक है, देन आई विल शो यू द फाइनल लुक। सो जी ये मैंने सारी लेयरिंग कर दी, अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी टॉपिंग। इससे पहले मैं इसके ऊपर ये जो है फूड कलर इस पर ऐड कर दूंगी, ठीक है, एंड ये मैंने जो है वो मिल्क में बनाया है, ट्राई करूँ, मुझे फूड कलर अच्छा लगता है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह आपको अच्छा लगता हो आप ऐड कर दीजिए।
सो ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग के लिए जो मैंने धनिया थोड़ा सा रखा था, ठीक है, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। सो माशाल्लाह इट्स सो गोइंग लुकिंग सो गुड, ठीक है, और टेस्ट में बहुत मज़ेदार हो गया। इंशाल्लाह अफ्तारी में मैं आपको खाकर ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। एंड अब मैं इसके ऊपर ये ग्रीन चिली डाल रही हूँ एंड लेमन, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट गार्निशिंग। एंड अभी इसकी टॉपिंग जाती है कि आपने कहीं जाना नहीं है, सो आई विल शो यू आफ्टर। इसको मैं थोड़ा सा दम पे रख दूँ एंड देन आई विल शो यू द टॉपिंग, और टॉपिंग कैसे बनानी है ये भी ज़रूर बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो जी वेलकम बैक, एंड ये आ गई हमारी बिरयानी की फाइनल लुक। सो माशाल्लाह इट्स लुकिंग ऑसम और बहुत टेस्टी भी होगी। अब लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि कितनी टेस्टी है। सो यू अब आप देखिए कि इसके साथ मैंने रायता भी बनाया है, ठीक है, एंड इसके साथ कोक इंजॉय कीजिए, स्प्राइट इंजॉय कीजिए, वट एवर यू लाइक। सो डू ट्राई माई रेसिपी, इट्स वेरी सिंपल। थोड़ी सी एटमॉस्फेयर आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सो उनको करने के बाद आप जो है वो ये बिरयानी मज़े से खा सकते हैं। So thank you so much for watching the recipe and stay tuned for more iftar recipes and my next recipe will be very quick, ठीक है, 5 मिनट वाली रेसिपीज होगी इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय।